हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पता है कि बीटीएससी ने एएनएम के लिए 10,709 पदों की वैकेंसी निकाले थे और उसका फॉर्म भी भरा गया है और जल्दी उसका जो होगा काउंसलिंग होगा। तो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ कि जो काउंसलिंग होगा उसमें क्या क्या सर्टिफिकेट अनिवार्य है, क्या क्या सर्टिफिकेट आपके पास होना दम मस्ट है। अगर नहीं है तो अभी समय है, जल्दी बनवा ले। अगर है तो कुछ प्रॉब्लम है तो उसे सुधार करवा देंगे। ये सब चीज जानेंगे मैं आज इस वीडियो में। और मेरे जो पिछला वीडियो था एएनएम का, जो मैंने कटअप बताया था, उसका जो है रिस्पांस आप लोगों ने बहुत ही अच्छा दिया, इसके लिए थैंक यू। अगर आपने अभी यह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, जल्दी जाके देख ले। तो सबसे पहले आते हैं आधार कार्ड पे। देखिए, मैंने आधार कार्ड इसलिए लिखा क्योंकि आधार कार्ड में क्या होता है कि आधार कार्ड में बहुत सारे त्रुटि होते सबके। किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच करेगा। डेट ऑफ बर्थ जो होगा आधार कार्ड में वो मार्क 10th के मार्कशीट के अनुसार होगा, मतलब 10th का जो आपका मार्कशीट है उसके अनुसार ही आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस होना चाहिए। तो आधार कार्ड अगर नहीं है तो सुधरवा लें, आधार कार्ड को नंबर से लिंक करवा लें। अगर आपके आधार कार्ड में पुराना फोटो है तो उसे जल्दी अपडेट करवा लें। मीन्स आधार कार्ड जो होगा पूरा टोटली नया अपडेट होगा। अगर नहीं है तो अपने नजदीकी बैंक में जाके वहां जाके सुधरवा ले। मात्र 100 रुपए में होगा और 15 दिन में सुधार देगा। तो ये हो गए आधार कार्ड के इशू। अब फिर कोई के आधार कार्ड में क्या प्रॉब्लम देखते हैं कि कोई भी आधार कार्ड में जैसे कोई नंबर है 16 डिजिट का, उसमें जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर होता है उसमें जो कुछ ऐसे होता है, लास्ट में 4 डिजिट होता है। किसी में लास्ट में 4 डिजिट 2, 3, 4, 5 होता है। अगर आपका आधार कार्ड ऐसा है तो जल्दी अपडेट करवा दे। अगर ऐसा आधार कार्ड रहेगा तो आपका डिस्क्वालीफाई कर देगा। अगर आपका आधार कार्ड ऐसा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 1 अगर ये ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अपडेट करवा दें। अगर गलती है तो अपडेट करवा, अगर ऑलरेडी अपडेट है तो कुछ न करें। फिर आइए एप्लीकेशन फॉर्म में। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरे थे तो साइबर कैफे आपको एक एप्लीकेशन दिया था प्रिंट आउट निकाल के, है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म को वहां जरूर लेके जाना है। और वो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपका फोटो और सिग्नेचर नहीं है या गड़बड़ है तो उसे आप सुधरवा ले, है ना। उसे आप फोटो और सिग्नेचर सुधरवा ले और वहां तभी वहां लेके जाए। फिर आपने जो एप्लीकेशन में जो सिग्नेचर किया था फॉर्म भरते समय, वही सिग्नेचर आपको वहां पे करना है। अगर सिग्नेचर नहीं मैच हुआ तो आप क्या हो जाइएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी जरूरी है। फिर आइए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो होता है ना, लोग क्या करते हैं 10th का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं लेकिन मूल सर्टिफिकेट नहीं लेके जाते हैं। डिमांड होता है मूल सर्टिफिकेट का लेकिन वो लेके चले जाते हैं अपना अंक प्रमाण पत्र, जो कि गलत है। आप जो है मूल प्रमाण पत्र लेके जाइए। अगर मूल प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आपके स्कूल में आ चुका होगा मूल प्रमाण पत्र। मूल प्रमाण पत्र जो होता है 2 या 3 साल में आ जाता है। फिर आइए डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन। डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन तो आपके पास होगा ही, तभी तो आपने फॉर्म भरा। फिर उसके बाद डिप्लोमा का मार्कशीट भी लेके जाना है। फिर उसके बाद क्या लेके जाना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाइए। फिर उसके बाद लेके जाइए आप हायर एजुकेशन का, अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो वो लेके जाइए। फिर उसके बाद आवास, है ना, फिर जाति, फिर नॉन क्रिमिनल लेयर का सर्टिफिकेट। मीन्स ये सब सर्टिफिकेट को ओरिजिनल तो लेके जाना ही जाना है, साथ में हर एक सर्टिफिकेट का 4-4 फोटो कॉपी लेके जाइएगा और अपना जो होगा वो कलर फोटो लेके जाइएगा, है ना। मीन्स अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाइएगा, कलर भी अब ब्लैक एंड व्हाइट भी, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म में होगा फोटो तो वो और ही अच्छा बात है। तो ये सब चीज जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये सब चीज आपके पास अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो जल्दी अपडेट करवा ले क्योंकि अभी समय है और इजीली ही अपडेट हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।